और महागठबंधन में टूट के साथ बिहार ही नहीं देश की नजर भी एनडीए गठबंधन पर आकर टिक गई है, पर बीजेपी इसे अभी भी समान नजरों से देख रही है और बहुत जल्द सीट बंटवारे पर निर्णय की बात कर रही है। एसएमबीसी इनसाइट की टीम से खास बातचीत की बीजेपी सचिव मृत्युंजय झा ने। समाजवादियों का कुनबा तो अब बिखर गया, सामने है एनडीए और एनडीए में सीट बंटवारा का पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के सचिव मृत्युंजय झा जी, उनसे ही सीधे बात करते हैं कि आखिर ये लेट क्यों हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के हम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत मजबूती से करी है और मुझे लगता है कि बिहार में जो हमारी गठबंधन है सबसे मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन को एक भारी सफलता मिलने वाली है, ये संकेत भी है। सामने वाला जो गठबंधन है उसके अंदर जो भी इस प्रकार की लड़ाई चल रही है ये सर्वविदित है। क्या सपा के साथ हो रहा है घटना, ये सर्वविदित है। उन्होंने कहा 243 हम लड़ेंगे, बाकी पकड़ने की जरूरत हो रही है। पप्पू यादव जी अलग बिगुल फूक करके, कम्युनिस्ट पार्टी का अलग बिगुल फूक के, ये सब कहने वाले थे कि हम साझा गठबंधन करके, महागठबंधन करके हम सरकार बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसने साफ तौर पर सभी ने यह कहा है कि हम बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए हम पूरी तैयारी से एकजुट हैं। सीटों की जहाँ तक बात है, अभी तक सबसे बातचीत व्यक्तिगत तौर पर हो रही है। माननीय अमित शाह जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं सबसे बातचीत की है और आपने देखा होगा उन्होंने ये जरूर चर्चा की है कि हम सीटों से ज़्यादा यह महत्व रखते हैं कि कैसे हम 243 सीट पर अपनी जीत दर्ज करें और इसमें हमारे जो गठबंधन के दल हैं उनकी भूमिका कैसी होगी और इसके लिए क्या करना चाहिए। ये सामूहिक सुझाव के बल पर, सामूहिक नेतृत्व के बल पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, इस पर गठबंधन पूरी मुस्तैदी से विचार कर रही है, काम कर रही है। लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में, खास करके नेताओं में, जिनको अभी क्षेत्र में जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, अपनी मजबूती दर्ज करानी थी, उनको ही अभी क्लियरेंस नहीं मिला है कि आखिर वो कौन जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, किस दल से जाएंगे, कौन प्रत्याशी होगा, ये अभी भी असमंजस है। लगातार आप लोग मीटिंग करते जा रहे हैं, कोई फलाफल नहीं निकल रहा है, इसका मैसेज तो कुछ अलग। देखिए, पटना में जिस प्रकार से हुंकार रैली हुई थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के गांधी मैदान की सभा में जो बम विस्फोट हुई थी और लोग कार्यकर्ता मारे गए, घायल हुए, उसके बाद से ही सरकार के प्रति जन आक्रोश बिहार के अंदर पनपा और आज बिहार में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, जिस प्रकार से लगातार लगे हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार काम जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसलिए हमें इस प्रकार की बहुत चिंता नहीं है कि हम कार्यकर्ता के पास नहीं गए या कार्यकर्ता के पास विश्वास हम नहीं जमा पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने विश्वास जमाया है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जमाया है। सोचना चाहिए विपक्षी दलों को कि जिन्होंने अपनी भूमिका किस प्रकार का निर्वहन किया है, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद इन 2.5-3 सालों में क्या परिस्थिति बिहार के अंदर पैदा हुई है, उनको विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बूस्टअप हैं, हमारी रथ चल रही है लगातार, सभी जगह हम लोगों ने परिवर्तन रथ चलाया, परिवर्तन रैली किए, हमने लगातार कार्यक्रम किया है। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि पूरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए लड़ रही है और इसलिए हम हर सीट पर मजबूत स्थिति में हैं और हमारी तैयार कार्यकर्ता भी मनोयोग से लगे हैं, विश्वास के साथ लगे हैं। आपने देखा होगा कार्यालय के बारे जितने ज़्यादा भीड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास है उसे किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आज लोग यहाँ उसी उत्साह के साथ आ रहे हैं कि हाउ टू गेट ए सीट, और जो सीट प्राप्त करेगा उसको ये विश्वास है कि हम जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे, ये विश्वास के साथ लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। आपने अपनी परिवर्तन रथ की बात कही, आपने 160 परिवर्तन रथ रवाना किया था, ये तो क्लियर हो गया कि आप 160 कम से कम लड़ेंगे, लेकिन बाकियों के लिए क्या है? देखिए, परिवर्तन रथ बिहार के सभी विधानसभा में जा रही है। 160 रथ केवल एक विधानसभा के लिए हम लोग कंसंट्रेट नहीं किया था, हमने विधानसभा में पूरे जिला स्तर पर 3-4 रथ ऐसे करके भेजा। हमने पहले लॉट में वो सब जगह जाने का काम किया, फिर बचे हुए विधानसभा में जाने का काम किया। हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का साफ स्टैंड है कि हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन के दल भी लड़ रहे हैं तो उनको उसी हिसाब से हम लड़ेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, एनडीए का व्यक्ति है, और इसलिए हम किसी विधानसभा में यह छोड़ने वाले नहीं है कि वहाँ कोई हमारे साथी दल के लोग लड़ने वाले हैं। हम उस सीट पर भी हमारे कार्यकर्ता उन्हीं मनोयोग से लड़ेंगे क्योंकि एक एक सीट जीतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके एनडीए में जो कुनबा है, घटक दल हैं, एक दूसरे पर वार करते अब नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान पर मांझी जी ने वार किया, आज भी वार किया, रामविलास पासवान ने मांझी को ट्रायल जोन में रखा, ये क्या हो रहा है? आखिर सीट को लेकर के इतना मारामारी हो रही है, उस बीच आप लोग क्यों नहीं खुल करके सारी बातें सामने कर रहे हैं? देखिए, सीटों का मसला नहीं है ये, कहीं ना कहीं बातों में विषयांतर हुआ है, कोई ऐसा विषय आया होगा शायद जो मांझी जी को अच्छा ना लगा हो,
और माझी जी ने कुछ ऐसा विषय दिया है, आपने सुना होगा रामविलास पासवान जी या चिराग जी का स्टेटमेंट, उन्होंने साफ कहा है कि भाई माझी जी ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ बात होगी, हम अपने आपस में बैठ के बात कर लेंगे। यह विषय इतना बड़ा नहीं है जिसको हम ऊपर लेकर जाएं, तो कहीं ना कहीं संवादहीनता का कोई विषय आया है। मुझे लगता है कि इसको सीटों के और गठबंधन से लेकर देखना उचित नहीं होगा। तो हालांकि अभी भाजपा कोई भी पत्ता खोलना नहीं चाहती है और वो किसी भी डिस्प्यूट में पड़ने के लिए तैयार नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तब जाकर के फैसला लेगी कि कितनी सीटों पर कौन से घटक दल लड़ेंगे। कैमरामैन खुर्शीद के साथ राजीव रंजन।